दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको मुगल साम्राज्य का पूरा इतिहास बताने जा रहा हूं, जिसमें आप जानेंगे कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना घाटी में हुआ था। बाबर को भारत में आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोधी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। इसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोधी की पराजय हुई और बाबर खां की जीत हुई थी। राणा सांगा बाबर को भारत से भगाना चाहता था क्योंकि बाबर बाहरी था। इसके बाद 17 मार्च सन 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया और बाबर की जीत हुई। इस युद्ध में बाबर ने उत्तम रणनीति आधुनिक तरीके अपनाए। बाबर से पराजित होने के बाद राणा सांगा मेदिनी राय, जो कि मालवा का शासक था, से मिलकर दोबारा युद्ध की तैयारी करने लगा। जब यह बात बाबर को पता चली कि राणा सांगा मेदिनी राय से मिलकर दोबारा युद्ध की तैयारी कर रहा है, तो बाबर ने राणा सांगा को मेदिनी राय से अलग करने के लिए मेदिनी राय पर चंदेरी में हमला बोल दिया, जिससे मेदिनी राय को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद बाबर का युद्ध 1529 ईस्वी में घांघरा में हुआ, जिसने मुगल साम्राज्य को भारत में स्थापित होने में अहम भूमिका निभाई। इस युद्ध में बाबर भारत के कई सहयोगी दलों से मिलकर उत्तरी अफगान के शासक सुल्तान महमूद लोधी और बंगाल के शासक सुल्तान नुसरत शाह के खिलाफ लड़ा, जिसमें बाबर की जीत हुई। एक साल शासन करने के बाद सन 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं उसके बाद मुगल साम्राज्य राज्यों, जो कि भारत में कुछ प्रदेशों में स्थापित थे, उसका उत्तराधिकारी बना। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह शहर की स्थापना दिल्ली में की। 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा में युद्ध हुआ, जो कि गंगा नदी के किनारे बक्सर के पास स्थित है, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई और हुमायूं पराजित होने के बाद आगरा भाग गया। हुमायूं आगरा में पहुंचने के बाद अपने भाइयों के साथ मिलकर 17 मई 1540 ईस्वी कन्नौज में हुमायूं शेरशाह का युद्ध हुआ। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत हुई तथा हुमायूं की हार हुई। शेरशाह ने इस युद्ध को जीतने के बाद आगरा और दिल्ली में अपना अधिकार स्थापित कर लिया और हुमायूं वहां से भाग गया। शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 ईस्वी में हो गई और उसके बाद सन 1554 ईस्वी में उसके बेटे इस्लाम शाह की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद शेरशाह सूरी के दूसरे बेटे सिकंदर शाह सूरी इब्राहिम शाह सूरी को हटाकर दिल्ली का शासक बन गया। मुगल शासक हुमायूं ने दिल्ली को जीतने के लिए विशाल सेना को संगठित किया। उसके बाद हुमायूं ने 22 जून 1555 ईस्वी में सिरहिंद में सिकंदर शाह सूरी को पराजित किया। उसी विजय के साथ हुमायूं ने फिर से भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित किया। 1 जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी ने सुर साम्राज्य की स्थापना उत्तरी भारत में की और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में मुगल साम्राज्य को अपने शासन में ले लिया। शेरशाह सूरी का जन्म बिहार के सासाराम स्थान में हुआ था। शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद खान था और उसको शेर खान कहकर भी पुकारा जाता था। शेर खान अपने घर से भागकर पहार खान लोहिनी, जो कि बिहार के मुगली शासक थे, उनके वहां पर काम करने लगा। एक बार एक शेर ने पहार खान के ऊपर हमला कर दिया। शेरशाह सूरी ने उनको बचाया और शेर को मार दिया। पहार खान ने शेर खान की बहादुरी को देखकर उनका नाम शेर खान रख दिया। बहार खान की मृत्यु के बाद शेर खान ने 1584 ईस्वी में हियासुद्दीन की सेना को सूरजगढ़ में हराकर उन्होंने बिहार में अपना राज्य स्थापित किया। सन 1538 ईस्वी में शेर खान ने बंगाल में हमला करके हियासुद्दीन को पराजित कर दिया। 26 जून 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर खान के बीच चौसा में फिर से युद्ध हुआ, जिसमें शेर खान ने हुमायूं को पराजित कर दिया।
उसके बाद हुमायूं को फिर से 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में हराया और उसे भारत छोड़ने पर मजबूर किया। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल 1540 से 1545 ईस्वी के बीच अनेक कार्य किए। शेर खान ने सर्वप्रथम रुपया को लागू किया और डाक सेवा को सुधारा। हुमायूं द्वारा दीन पनाह स्थापित शहर को शेर खान ने उसे और आगे विकसित किया और उसका नाम शेर घर रख दिया। शेर खान ने ऐतिहासिक शहर जैसे पटालीपुत्र, जो कि नष्ट हो रहा था, उसे पुनः स्थापित किया। आज वो ऐतिहासिक शहर पटना के नाम से विख्यात है। शेर खान ने ग्रैंड ट्रंक रोड को और बढ़ाया और उसे चितगोंग बंगाल से काबुल अफगानिस्तान तक जोड़ा। शेर खान ने अपने शासनकाल में कई ऐतिहासिक इमारतें बनाई, जिनमें रोहतास किला का निर्माण प्रसिद्ध है। अब यह यूनेस्को के विश्व विरासत के श्रेणी में शामिल है या पाकिस्तान में है। शेरशाह सूरी ने भेरा शहर का निर्माण 1545 ईस्वी में पाकिस्तान में किया और शहर के अंदर प्रसिद्ध मस्जिद जिसका नाम शेरशाह सूरी मस्जिद का निर्माण किया। शेरशाह सूरी की मृत्यु सन 22 मई 1545 ईस्वी में राजपूतों के कालिंजर के किले के पास युद्ध के दौरान विस्फोटक के फटने से उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद सिकंदर शाह सूरी का शासनकाल आया। अकबर खान बाबर खान की अगुवाई में हुमायूं के बाद मुगल साम्राज्य का युवा शासक बना। अकबर ने अपने पूरे शासनकाल में मुगल साम्राज्य को आकार और धन में 3 गुना बढ़ा दिया। अकबर ने कई गुना बड़ी और ताकतवर सेना का निर्माण किया और उसे अनेक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए। बहुसांस्कृतिक साम्राज्य की स्थापना अकबर के शासन में हुई। सन 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही को प्रारंभ किया, जिसका मकसद अनेक धर्मों से उचित उचित धारणाओं को सम्मिलित करना था। चौसा और कन्नौज के युद्ध 1539 ईस्वी से 1540 ईस्वी के दौरान शेरशाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं सिंध की ओर चला गया। वहां हुमायूं की मुलाकात हमीदा भानु बेगम से हुई और बाद में दोनों का विवाह संपन्न हो गया। एक साल बाद 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ। शेरशाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह को हारने के बाद हुमायूं ने सन 1555 ईस्वी में दिल्ली में राज स्थापित कर लिया। कुछ महीनों के बाद हुमायूं की मृत्यु हो गई। इसके बाद अकबर ने सन 1556 ईस्वी में हुमायूं के शासन को सिकंदर शाह से युद्ध के दौरान मुगल साम्राज्य की गद्दी को बचाने के लिए अकबर ने शासन के अधिकारी बने। अकबर के पिता हुमायूं ने पहले से ही पंजाब, दिल्ली, आगरा में अपना राज्य स्थापित कर चुके थे। मुगल साम्राज्य का अभिन्न अंग होने के बावजूद इन राज्यों में मुगलों की पूर्ण तरह पकड़ नहीं थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद शुरू ने दिल्ली और आगरा में अपना राज्य स्थापित कर लिया। हेमू, जो कि शुरू के राज का एक शासक था, जो कि अपने आप को हिंदू शासक मानता था और वह चाहता था कि मुगल भारत छोड़कर चले जाएं। अकबर ने बैरम खान की सेना के नेतृत्व में हेमू और सुर को 5 नवंबर 1556 ईस्वी के द्वितीय पानीपत के युद्ध में हराया। इस युद्ध के बाद मुगलों ने दिल्ली और आगरा में पूर्ण तरह अपना राज्य स्थापित कर लिया और कुछ महीनों के बाद ही अकबर की सेना ने पंजाब में सिकंदर शाह सूरी को परास्त कर दिया। 1559 ईस्वी के पहले दक्षिण की तरफ राजपूतों और मालवा की ओर देखना शुरू कर दिया। सन 1560 ईस्वी में अकबर की सेना ने मालवा और अफगानी रूलर बाज बहादुर को श्रृंगापुर के युद्ध में हरा दिया और इसके साथ ही मुगलों ने उत्तरी भारत पर अपना शासन कामयाब कर लिया। इसके बाद अकबर का ध्यान राजपूतों पर शासन करने की ओर गया। 1561 ईस्वी की शुरुआत में ही मुगल राजपूतों से युद्ध और बातचीतों की शुरुआत हो चुकी थी। ज्यादातर राजपूतों ने मुगलों का शासन स्वीकार कर लिया, पर मेवाड़ में मुगलों का शासन स्वीकार नहीं किया और युद्ध चलता रहा। जैसे कि 1559 ईस्वी में मुगलों का ध्यान राजपूतों और मालवा पर गया था और अकबर ने 1560 ईस्वी में बाज बहादुर को श्रृंगापुर के युद्ध में हरा दिया और मालवा में अपना अधिकार कर लिया, और जैसे कि 1561 ईस्वी की शुरुआत में ही मुगलों और राजपूतों के युद्ध शुरू हो रहे थे और कई राजपूतों को मुगलों का साम्राज्य स्वीकार करने के बावजूद सिर्फ मेवाड़ के राजा उदय सिंह के बेटे प्रताप सिंह ने स्वीकार नहीं किया था।
सन 1576 ईस्वी के हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों ने प्रताप सिंह को हरा दिया। अकबर ने राजपूतों पर पूरी तरह अपना शासन बनाने की खुशी में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया, जिसे विजेताओं का शहर कहा जाता है। अकबर का ध्यान गुजरात और बंगाल में शासन करने की ओर गया, जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के समुद्री रास्तों से व्यापार करने में मददगार थे। सन 1573 ईस्वी में मुगलों ने मिर्जाओं को गुजरात से बाहर कर दिया। मिर्जाओं को बाहर करते ही उन्होंने गुजरात पर अपना शासन स्थापित कर लिया। अकबर गुजरात में मुगल शासन स्थापित करने के बाद फतेहपुर सीकरी वापस आया और उसने इस जीत की खुशी में बुलंद दरवाजा की स्थापना की। अकबर अब उसके बाद अफगानी के होते शासकों को हराकर बंगाल पहुंचा। बंगाल में सुलेमान खान करानी, जो कि अफगानी शासक था जिसका परिवार शेरशाह सूरी के शासन में पला बड़ा था, वह अब बंगाल का शासक था। सन 1574 ईस्वी में मुगलों ने पटना में दाऊद खान, जो कि सुलेमान खान के वंश का था, उसको हराकर पटना में अपना शासन कामयाब किया और दाऊद खान बंगाल की तरफ भाग गया। सन 1575 ईस्वी में तुरकोई का युद्ध जीतने के बाद मुगलों ने बंगाल और बिहार के कई प्रदेशों में अपना राज्य स्थापित किया। दाऊद खान बाद में मुगलों के द्वारा पकड़ा गया और मारा गया। गुजरात और बंगाल में अपना शासन स्थापित करने के बाद अकबर ने काबुल में भी अपना शासन स्थापित किया और बाबर के पुराने किलों को अपने अधिकार में ले लिया। अकबर अब सिंध की ओर देखने लगा। मुगलों की विशाल सेना ने सिंध की सेना को सहवान के युद्ध में हरा दिया। इस युद्ध की हार के बाद सिंध के शासक जानी बेग ने सन 1591 ईस्वी में मुगलों के शासन को स्वीकार कर लिया। अकबर ने अपने पूरे शासनकाल के दौरान अनेक सोशल और सामाजिक परिवर्तन किए। अकबर ने अपने शासनकाल में मुगलों द्वारा चलाए गए भू उत्पादक कानून में परिवर्तन किए और शेरशाह सूरी द्वारा चलाए जा रहे भू उत्पादक कानून को चलाया। अकबर ने कई सारे इबादत खाने सभी धर्मों के लिए और नास्तिकों के लिए खोले। अकबर ने दीन ए इलाही को लागू किया ताकि सभी धर्मों की अच्छी अच्छी प्रथाओं को एकत्रित कर सकें और एक नए धर्म की स्थापना कर सकें। अकबर ने अनेक हिंदू प्रथाओं का पालन किया। वह दिवाली मनाते थे और ब्राह्मण पुजारियों को सोने और चांदी के आभूषणों को कलाइयों में बांधने की अनुमति दे रखी थी, जो कि एक आशीर्वाद का प्रतीक था। 3 अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर 35 रोग के कारण बीमार पड़ गया और जिससे वो कभी उभर नहीं पाया। उसके बाद उनका देहांत हो गया।